हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आ गया हूं रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का पार्ट टू लेकर। पार्ट फर्स्ट में आपने बेसिक बेसिक सी बातें जानी थी कि यदि आपको कोई संबंध दिए जाएं तो उनके अनुपात कैसे लगते हैं। आज हम अनुपातों को इकट्ठा करना सीखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी आपके लिए। पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो आप सभी पार्टों को क्रम से देखते हुए आएं, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। आज का वीडियो आपके लिए बेहद शानदार होने वाला है। तो क्वेश्चंस देख लीजिए पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे। कुछ इकट्ठे करने के क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ए अनुपात बी दिखाया जाए, 2:3 हो, बी अनुपात सी 5:7 हो, और कहा जाए कि एबीसी का अनुपात, एक जगह अनुपातों को इकट्ठा करने के सवाल मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो जो जो क्वेश्चंस स्क्रीन पे चल रहे हैं उनको देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको कभी भी दिक्कतें आती हो तो आज मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा, उसके बाद आप कभी भी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आओगे। कम से कम गणना में और बेटर से बेटर वे के साथ मैं इन सभी को समझाऊंगा। कभी चार को इकट्ठा करना पड़ सकता है, ए बी बी सी सी डी, ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस आपने प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग जगह देखे होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं सिखाने वाला हूं आपको, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं इनके बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप कम एफर्ट में ही ज्यादा नंबर निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। पांच को भी इकट्ठा करना हो सकता है, ए बी सी डी तक को संबंध देकर फिर उन्हें इकट्ठा करवा सकता है आपसे। कहता है 2a = 3b = 4c हो तो ए बी सी बताइए। ऐसे अनुपात मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको लगाना सिखाया। तो जो जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रनिंग है, उन क्वेश्चंस को सीखने के लिए आप मेरे साथ इन वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको अब सिखाता हूं कि इनको आप सरलतम तरीके से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल फ्री होके बैठ जाइए, आज इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम है। यदि आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आपको दिक्कत नहीं आने वाली है करने में। चलिए, क्वेश्चन मैंने कहा कि आपको अनुपातों को इकट्ठा करना होगा। कभी भी आपको ए अनुपात बी देगा, बी अनुपात सी देगा और फिर कहेगा कि आप इनको इकट्ठा कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस को नोट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि ए अनुपात बी है वो 2:3 है और बी अनुपात सी है वो 5:7 है। इनको इकट्ठा करके बताना था कि तीनों को आप इकट्ठा कर ले, ए बी और सी तीनों को एक जगह कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा आप इनमें मीडिएटर देखेंगे कि इनमें मीडिएटर कौन था। तो आप ये कहेंगे कि इनमें मीडिएटर क्या, मतलब एक आदमी दोनों तरफ आ रहा होगा, तो आप ये देखेंगे कि मीडिएटर कौन है इनमें, बी है। मीडिएटर के बारे में जान गए होंगे आप, तो इसमें भी बी आ रहा है और उधर भी बी आ रहा है, हो सकता है ए दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो मीडिएटर जो होगा वो इन्हें इकट्ठा करेगा। कई सारे तरीके सिखाऊंगा मैं आपको बेसिक बेसिक से चलते हुए। तो आप ये ध्यान दें कि मीडिएटर को बीच में लिख ले, बी मीडिएटर था तो बी को बीच में लिख ले, ए मीडिएटर हो तो ए को बीच में लिख ले। मीडिएटरों को हमेशा बीच में रख ले, बीच में रख लिया मीडिएटर को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनका ए अनुपात बी है 2:3, फिर बी अनुपात सी है, दोबारा से बी का और सी का दे रखा है अनुपात, तो बी का और सी का वापस से है इसी के नीचे लिख ले 5:7। ध्यान दीजिएगा मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसके बाद में छोटे छोटे वे और बताऊंगा, जिससे कि आप ऑप्शन को देख के ही इस चीज को क्लियर कर पाए। वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, 2:3 दिया ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया 5:7, बेहद आसान सी बात है, ऐसे आप लगा लेंगे, मीडिएटर को बीच में लिख लेंगे। अब क्या करना था, अब आपको जो मीडिएटर की वैल्यू है वो आगे भर देंगे। ये 3 है तो 3 को आप यहां भर देंगे और यहां 5 है तो इस 5 को इधर भर देंगे, जो खाली जगह है वहां पर इन मीडिएटर की आगे की तरफ जो भी वैल्यू खाली है वहां मीडिएटर की वैल्यू भर दे। इधर भी मीडिएटर के इधर जगह खाली थी, वहां
जितनी भी पोजीशन है उन सभी पे उसको भर दें, मीडिएटर की वैल्यू के आगे उसी वैल्यू को भरते जाएं। अब इनको आप गुणा कर ले, अब इन सभी को इसको गुणा कर ले आप, तो ये पांच दुआ, इनमें कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, इन तीनों में ऐसे कट रहा हो कोई नहीं कट रहा, तो पांच दुआ दस हो जाता, पांच दिया पंद्रह हो जाता और सात दिया इक्कीस हो जाता, दस पंद्रह और 21 आपका बी ऑप्शन उत्तर हो जाता। बेहद आसान है ये चीज, समझ पाए होंगे, और क्वेश्चंस के साथ इस चीज को सीखते हैं आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि यदि आप ऐसे नहीं भी लिखते और तीनों के अनुपात नीचे गिवन होते तो आप उसे कैसे देखते। तो उसे देखने के लिए आपको क्या करना होता कि आप ऑप्शन में देखिए, ए अनुपात बी आपको 2:3 में आपको मिले, 2:3 ए बी होना चाहिए, तो यहां ए बी है, ये 2:3 नहीं है, या तो कट के बन रहा हो, कट के भी नहीं बन रहा, ए ऑप्शन नहीं आता। यहां देखिए 2:3 नहीं है, काटोगे तो भी यहां से चार, पांच से काटोगे चार बार, पांच से काटोगे तीन बार, सी ऑप्शन भी नहीं आता। ऑप्शन को देख के भी पता कर सकते थे आप, बेहद आसान चीज है, एग्जाम में कोई सी भी चीज देख सकते हैं, एक प्रॉपर चीज मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद आप छोटी छोटी ऐसी बातों को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके अंदर आपको यहां देखिए 2:3 था, लेकिन बी और सी है वो 5:7 नहीं है, उधर 5:7 नहीं है, तो तीन ऑप्शनों को आप देखते, दो दो के अनुपातों को भी देखते, तो वहां जो अनुपात क्वेश्चन ने दे रखे हैं वो नहीं बने हैं, इसका मतलब वो नहीं आते। इकट्ठा करना सीख गए हैं, फिर से मैं इन चीजों को दिखाता हूं। एक और क्वेश्चन आपके लिए अगला लेकर ये रहा, 29वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, फिर से वही काम है कि अलग अलग अनुपात है, ए के साथ बी, बी के साथ सी, और आपसे कह रहा है ए सी बताइए। बहुत आसान चीजें हैं ये, चलिए मैंने इकट्ठा करना सिखाया, ए सी बताना है तो पहले ए बी और सी को इकट्ठा कीजिए। चलिए ये बहुत ही आसान काम कैसे था, मैंने कहा मीडिएटर को देखिए, तो इन दोनों में बी है, मीडिएटर को बीच में लगाइए, चलिए मीडिएटर को हमने बीच में लगा लिया, जो भी मीडिएटर था वो बीच में आ गया। चलिए अब मैंने कहा इनकी वैल्यू भरिए, इनमें वैल्यू कैसे भरते, ए बी की वैल्यू ए के नीचे 3 और बी के नीचे 4, फिर बी की दोबारा वैल्यू है, तो बी की दोबारा वैल्यू क्या है 8 और उधर है 9। अब मैंने कहा कि इनको इकट्ठा करें, तो आपसे ये कहा गया कि जो वैल्यू मीडिएटर के आगे स्थान खाली है उनमें उन वैल्यू को पुट कर लें आप। चलिए 4 के आगे जो खाली स्थान था वहां पे 4 ही भर ले, इसके आगे 4 और 8 के इधर खाली स्थान है, मीडिएटर की वैल्यू को साइडों में जो खाली जगह है वहां पे भर ले। भर लिया होगा कि बीच में जो दो बार आ रहा है उसकी वैल्यू को इधर ए के नीचे भी और बी की वैल्यू उधर सी के नीचे भी भर ले, जिसके पास में जो खाली जगह है वहां पर मीडिएटर की वैल्यू को भर ले। अब मैंने कहा कि इनको गुणा कर करके आप नीचे लगा सकते हैं, लेकिन गुणा करने से पहले आप ये भी देख लें कि इनमें कुछ कट रहा है क्या। देखो यहां लिख के भी काट सकते हैं, तो देखिए मेरे को कौन चाहिए था, मेरे को सिर्फ चाहिए था ए और सी, तो इसमें से ए और सी ही निकाल लें, बी को मैं गुणा नहीं करता, बी को मैं गुणा नहीं करता, ये काम होने के बाद केवल ए और सी को ही गुणा करता, तीनों चाहिए तो तीनों को गुणा करता। अब देखिए 3×8 आता यहां पर और यहां पर 4×9 आता, ये ए और सी का अनुपात हो गया, बेहद आसान था। अब इसमें से जो कट रहा है उसे पहले काटें, गुणा नहीं करें, क्योंकि गुणा करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ गई तो आपको गुणा करने में टाइम लगेगा, पहले उसमें से कुछ कट रहा हो तो पहले उसे काटें और फिर गुणा करें। चलिए तो मैं इसे 4 से काट पाता, 4×2=8, 3×1=3 और 3×3=9, तो आप कहते सर 2:3 आपका उत्तर होगा, आराम से हो गया था, तो 2:3 आपका उत्तर हो जाता डी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान काम थे, फटाक से आप इसे उतार लीजिए जिससे कि मैं अगला क्वेश्चन आपको सिखा पाऊं। तो मीडिएटर की वैल्यू को बीच में रखेंगे और उस मीडिएटर की वैल्यू को साइड में जो जगह खाली है उसमें भर देंगे,
ए और सी का ही चाहिए तो केवल ए और सी की वैल्यू को गुणा करेंगे, तीनों का चाहिए तो तीनों की वैल्यू को गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले उनमें से कुछ कट रहा होगा तो काट पाएंगे, क्योंकि अनुपातों का बेसिक पार्ट फर्स्ट में देखा था कि अनुपात एक भाग की तरह होता है, बीच में अनुपात है तो इन वैल्यू को काट सकते हैं। जैसे 3×8 था यहाँ पर और वहाँ 4×9 था, उसमें से कुछ मैंने काट लिया, ये समझ पाए होंगे, उतार लिया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, इसे मैंने इकट्ठा किया तो यहाँ भी काट सकता था, ऐसे भी काटना आना चाहिए कि इस लाइन में, इस लाइन में, ये गुणा में है तो इन्हें देखिए ये कट रहे हैं क्या, ऐसे कहीं भी कट रहे हैं तो काट लो। तो 4 से मैं इसे काट देता 2 बार और 3 से इसे काट देता 3 बार, इधर कुछ बचा नहीं 3 और इधर 2, यानी कि फास्ट कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ही आपका टाइम बचाने वाली है। बहुत आसान क्वेश्चन थे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। फिर से इकट्ठा करना सिखा रहा हूं मैं आपको आज पूरे वीडियो में, इकट्ठा करने से रिलेटेड जितने भी विविध प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको सिखाऊंगा। और आप देखेंगे कि ये बहुत आसान चीजें थी, आज से पहले आप यदि इनको नहीं करके आते थे एग्जाम में तो आपने इन सरल प्रश्नों को करने का मौका खो दिया। चलिए, क्या कह रहा था, ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी 15:7 है, ए सी बताइए। बहुत आसान थी, मैंने कहा मीडिएटर को आप बीच में रख दीजिए, ए बी सी में से बी मीडिएटर था, मीडिएटर मतलब दोनों में आ गया वो, यहाँ ए और बी है और यहाँ बी और सी, तो बी दोनों में है तो मीडिएटर हो गया वो। चलिए, एक ही जगह क्या पुट करना है, मैंने आपसे कहा एक ही जगह ए की वैल्यू 7 और बी की जगह 9, फिर बी डबल है तो यहाँ नीचे 15:7। इकट्ठा करने के लिए मैंने आपको सिखाया कि इस मीडिएटर की वैल्यू को उसके अगले खाली स्थानों में भर दें, ये 9 है तो यहाँ आप 9 भर दें, यहाँ मीडिएटर 15 है तो 15 के साइड में जगह है वहाँ पे 15 भर दें। आसान सी बात थी। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको केवल ए और सी चाहिए, ए और सी चाहिए तो आपको ए और सी को गुणा कर लेना है। मेरे को बी चाहिए नहीं, केवल ए चाहिए और सी चाहिए, तो बीच वालों को छोड़ दीजिए, बस ए और सी को, ऐसा काम करने के बाद जो चाहिए सिर्फ उसे ही लेंगे आप। आसान क्वेश्चन था। चलिए मैं गुणा करता हूँ, गुणा करने से पहले मैंने कहा कि इनमें से कुछ कट रहा हो उसे काट दें, तो 7 से 7 कट रहा है, 2 को लेना है तो 2 में काट लें, 3 को लेना है तो 3 में कोई सेम चीज कट रही हो उसे काट लें। चलिए, 15 और 9 में से भी कट रहा है, 3 से कटता है 5 बार, 3 से कटता है 3 बार, यहाँ बचा 5 और उधर बचा 3। ए और सी लेना था, बी को मेरे को लेना ही नहीं था, तो बी को मैं गुणा ही नहीं करता एग्जाम में, तीनों चाहिए तो मैं बी को भी गुणा करता। चलिए, तो 5:3 आपका उत्तर हो गया था, ए ऑप्शन, बेहद आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप सभी भी एग्जाम में जाएंगे और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो आप उसे कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर रहे होंगे। तो मीडिएटर को आप बीच में रखेंगे, ए और बी की वैल्यू दी है तो उसके नीचे ए और बी की वैल्यू लिख दे, बी और सी की दी है तो बी के नीचे बी और सी की वैल्यू लिख दे, जो मीडिएटर होगा उसकी डबल वैल्यू आएगी और आप खाली साइडों में जो खाली जगह है वहां पे मीडिएटर की वैल्यू भर देंगे, और फिर तीनों की चाहिए तो तीनों को गुणा करके पता कर देंगे, और किसी 2 की चाहिए तो किन्हीं 2 को गुणा कर देंगे। आगे 4-4 को भी सीखने वाले हैं, सेम यही मेथड अप्लाई करने वाले हैं अपन। चलिए, अगले क्वेश्चन को दिखाता हूं मैं कि कैसे ये क्वेश्चंस बिल्कुल सरल थे। 31वां क्वेश्चन देखिए, आपसे 4 को इकट्ठा करवाया था। देखो, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो मैंने पहले भी आपको सिखाई, एग्जाम में कुछ ऐसे भी देखे। यहां देखिए, ए और बी का अनुपात है 4:5, तो जब इन चारों को इकट्ठा करना हो, जितने दे रखे हैं वो पूरे के पूरे ऑप्शन में हो, मतलब ए बी सी डी देख रखे हैं ऊपर और चारों का ही लगवाया है, चारों का लगवाए तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आपको ए और बी का ऑप्शन से ही देख लेते, ऑप्शन से देख के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को हटा सकते हैं, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका आप जानते ही हैं कि आप मीडिएटर तलाशते, इसमें बी
इसमें भी बी, तो बी मीडिएटर है तो ए अनुपात बी लिख देते हैं, बी अनुपात सी, ए बी सी को इकट्ठा मीडिएटर बीच में आना चाहिए। चलो फिर क्या है, यहां से सी मीडिएटर है, फिर आगे सी मीडिएटर है तो सी बीच में आ जाएगा, डी आगे, तो चल गया ए बी सी डी, बी और सी मीडिएटर थे उनको अपन ने बीच में रख दिया। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू है उन्हें रख दूंगा मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में रखते हुए आ रहे हैं, ए और बी है 4:5, बी और सी है 20:11, सी और डी है 6:7, सबके अनुपात फिल कर लिए आपने, ये सबके अनुपात फिल हो गए। फिर मैंने आपको एक बात सिखाई कि आप जहां मीडिएटर के साइडों में जगह खाली है वहां पे उसकी वैल्यू भर लें, यहां 5 है तो 5 के साइडों में जगह खाली है 2, दोनों जगह 5 भर लें, 11 के उधर जगह खाली है तो 11 भर लें, 6 के इधर जगह खाली है तो 6 भर लें, 2 जगह खाली है बी के नीचे और ए के नीचे, 20 के इधर भी जगह खाली है तो 20 ये भर लिया। ये काम करते ही बिल्कुल आसानी से ये इकट्ठे हो गए। अब आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने आपको एक बात और कही कि इनमें से कुछ कट रहा हो तो उसे काटें, जैसे आपको लग रहा है कि 4 से ये जगह जगह कट जाएंगे तो काटें, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये 3 से कट जाएंगे तो इसे काटें, आपको ऐसे लग रहा है कि ये कहीं 2 से कट जाएंगे तो आप 2 से इन्हें काटें। तो समझ पाए होंगे इस बात को आप, पहले आपने 4:5 पुट किया, 20 और 11 पुट किया और 6:7 पुट किया, ये सब इनके नीचे पुट कर लिया जो डबल थे, मीडिएटर को बीच में लिखा, फिर इसके साइड में ये वैल्यू जो मैंने रेड कलर से लिखी है वो मैंने वैल्यू खाली स्थानों की जगह पर मीडिएटरों की वैल्यू को भर दिया, मीडिएटरों को खाली स्थानों की जगह भर दिया, 20 यहां मीडिएटर का काम कर रहा है तो 20 के साइड में जगह है वहां पे 20 भर दिया, इधर 11 कर रहा है तो 11 को उधर आगे भर दिया, ये समझ गए होंगे आप। अब आपको क्या करना है, इनमें से कट रहा है उसे काटिएगा, अन्यथा आप क्या कीजिए, गुणा कीजिएगा। अब देखिए इनमें से 5 से कट रहा है, ये 20 5 से कटता है, ध्यान दीजिए हर लाइन 5 से कट रही थी, 5 से काट सकते थे इसे, पहले कट रहा है तो पहले काट लें वरना यहां थोड़ा सा गुणा में दिखा के फिर काट लें, गुणा में दिखा के काट लें, गुणा करके नहीं काटे, ऐसे लिख लें भाई 4:20:6, ऐसे तीनों चारों को लिख के फिर काट लें। तो मैं तो यही काट लेता, इसे 5 से काटता, 5×20 और 5×5 सब में कट जाता, ऊपर नीचे कैसे भी कट रहे हो ये गुणा होंगे तो इनको काट सकते हैं आप, तो ये समझ पाए होंगे, या नीचे लिख के काट सकते हैं। चलिए 4×16 और 16×96, पहला अनुपात आएगा 96, 20×120, दूसरा आएगा 11×66 और तीसरा 11×7 77, चौथा पता चल गया होगा, बेहद आसान बात थी, ऑप्शन आ जाता ए। समझ पाए इस बात को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं और काटाफिटी कर सकते हैं, इनमें से ये मीडिएटरों को भर सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनमें कोई सूत्र फॉर्मूले की कोई बात ही नहीं है, छोटी छोटी समझ की बातें हैं, वो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए फटाक से इसे उतारिए आप, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जैसे ही आप इन छोटी छोटी बातों को लिखना और सोल्व करना सीख जाएंगे तो बिल्कुल इंटरेस्ट आने लगेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस को, जब भी एग्जाम में सोल्व करने जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको इन्हें सोल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, तो आप इकट्ठा करना सीख गए हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, अगले वाले क्वेश्चंस को इकट्ठा करते रहें। 32 नंबर में क्या था, ए और डी को इकट्ठा करना था, ए अनुपात बी था, फिर मीडिएटर बी है तो बी को ही बीच में लिख दिया, फिर आगे सी मीडिएटर है तो सी डी, मीडिएटरों को बीच में लिख दिया, क्वेश्चन में देखें मीडिएटरों का क्रम भी चेंज हो सकता है। चलिए मैं इनकी वैल्यू पुट करता तो ए के नीचे 3 लिखता, बी के नीचे 4 लिखता, फिर बी सी की फिर से है, बी के नीचे दोबारा 5 लिखता, 7 लिखता, मीडिएटर की डबल वैल्यू है तो नीचे लिख दें उसके, फिर सी डी 8×9 है तो 8×9 है। चलिए अब आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, चारों नहीं मांगे, ए अनुपात डी ही मांगा है, केवल ए को और
डी को ही बताना है, तो मैं सभी फाइंड नहीं करूंगा, केवल ए और डी फाइंड करूंगा। मैंने आपसे कहा कि सभी को फाइंड करते हैं, तो यहां पे आप चार भरते, यहां भी चार भरते, यहां सात था, यहां आप सात भरते, यहां आठ था तो इधर आठ भरते, आप इस पांच के साइड में पांच भरते, ये तो आपका भरना हो गया। लेकिन मैंने ये कहा जो चाहिए नहीं उसे गुणा ही नहीं करना। कौन नहीं चाहिए? ना तो बी चाहिए आपको, ना सी चाहिए, इनको गुणा मत करना। सिर्फ कौन चाहिए? ए और डी चाहिए आपको। क्वेश्चन ने मांगा है ए अनुपात डी, तो आप ए को और डी को गुणा करके उत्तर बता दें। अब इनमें से भी जो कट रहा है उसे तो आप काट लें। तो आप कहते हैं सर इस लाइन में और इस लाइन में तो कट रहा है, कुछ कट रहा है, देखो ये चार और आठ कट रहा है, ऊपर नीचे कैसे भी कट रहा हो, ये सभी गुणा करेंगे, उसको भी गुणा करेंगे, तो अनुपात बीच में है, कटेगा। तो मैं काटता चार से इसे दो बार, आराम से कट जाता, तीन से इसे काटता मैं तीन बार, तो इधर इधर तो पाँच दुआ दस बचता, अनुपात इधर सात दिया इक्कीस बचता, दस अनुपात इक्कीस आपका जवाब होता ए अनुपात डी। ये तो और भी आसान था। चारों चाहिए तो चारों को गुणा करूंगा, ए और डी चाहिए तो मैं सिर्फ ए और डी को ही गुणा करूंगा। चलिए इसे फटाक से आप नोट डाउन कर ले, जिससे कि अगले क्वेश्चन को सीख पाए अपन। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ये, और इनसे बिल्कुल नहीं घबराएं आप, परीक्षा में ऐसी बातें आती हैं तो ये तो बोनस का काम है। जब भी ऐसी बातें आ जाएं तो बोनस मिल गया, यदि आपको ढंग से इन प्रश्नों को सोल्व करना आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्या क्या वैरायटी हो सकती है इनमें। ए बी, फिर यहां है बी सी और सी डी। चलो मीडिएटरों को मैं बीच में लगाता, ए बी सी डी, बी और सी मीडिएटर थे, मीडिएटर बीच में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि मीडिएटर बीच में हो। ये बाद की बात है कि पूछा क्या है, पूछा क्या है उसे तो बाद में देखूंगा मैं। चारों चीजों को पूछा है तो चारों का निकाल लूंगा, लेकिन चारों का क्रम ध्यान दीजिएगा। यहां क्या दिया था एग्जामिनर ने, क्रम दिया है डी पहले, सी उसके बाद में, बी उसके बाद में और ए उसके बाद में। क्रम तो मैं लास्ट में भी बदल लूंगा, पहले ए बी सी डी से इकट्ठा करता हूं। ए के नीचे एक, बी के नीचे दो, बी के नीचे फिर से तीन, फिर सी के नीचे चार, सी फिर से पांच और छह। चारों को ही इकट्ठा करना है, अब तो सभी को लिखना पड़ेगा आपको। चलिए मीडिएटरों की वैल्यू को पुट कर दीजिए, दो दो साइडों में भर दीजिए, चार को उसके साइड में भर दें, चार इधर, पांच और पांच इधर, तीन तीन, आराम से भर पाएंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए अब क्या करते, अब मैंने कहा इनमें से कुछ कट रहा है उनको काटिए, चारों चीजें चाहिए थी। तीन से कट रहा है क्या? तो आप कहते सर यहां तो कट रहा है, यहां तीन से नहीं कट रहा, तो आप नहीं काट सकते। एक भी जगह नहीं कट रहा तो नहीं काट सकते, जो पूछा है वो आपस में कट जाना चाहिए, तो चारों में कटना चाहिए, चारों पूछे हैं तो। चलिए पांच से कट रहा है क्या? आप कहते सर पांच से भी नहीं कट रहा, चलिए तो फिर गुणा ही कर दीजिए। ये गुणा हो जाता पंद्रह, पांच दिया पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह दुआ तीस हो जाता, ये अगला हो जाता पांच चौक बीस, बीस दुआ चालीस, ये हो जाता छह चौका चौबीस, चौबीस दुआ अड़तालीस, ये हो जाता कि नहीं। क्वेश्चन ने ए बी सी डी नहीं पूछा, ये ए बी सी डी का आया है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पहले डी का होना चाहिए, फिर सी का अनुपात होना चाहिए, फिर बी का होना चाहिए और फिर ए का। जिस क्रम में प्रश्न पूछे उसी क्रम में आपको उत्तर बता के आना है। चलिए तो क्रम क्या था, आपको ए को रखना है लास्ट में, तो ए की वैल्यू आप कह देते लास्ट में पंद्रह आएगी, फिर बी की वैल्यू आएगी तीस, फिर सी की वैल्यू आएगी चालीस और डी की वैल्यू हो गई थी अड़तालीस। ये देख ही लेते, लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन को ही देख लेते कि कहां पर इसका उल्टा क्रम है, तो आप ये कह देते कि इसका जो उल्टा क्रम है वो डी ऑप्शन में लिख रखा था, उत्तर डी ऑप्शन हो जाता। क्रम का ध्यान रखिए, इकट्ठा तो आप मीडिएटर को बीच में रख के ही करेंगे, इकट्ठा करने के लिए मीडिएटर बीच में होने जरूरी है, लेकिन बाद में क्वेश्चन चाहे से कुछ भी पूछ रहा हो, बी को पहले दे दे, चाहे से डी को बाद में दे दे, कहीं भी दे दे, आप उस क्रम में इनको उठा उठा के अरेंज कर सकते हैं,
उत्तर उसी क्रम में बताना है जिस क्रम में आपसे पूछा है। तो उतारिए इसे फटाक से, जिससे कि अगली बात कर पाए अपन। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गए होंगे अब। तो अब आगे की सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप फटाक फटाक से स्वतः भी कर सकते हैं। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं जिससे कि आपको दोबारा कहीं भी प्रैक्टिस की आवश्यकता ही नहीं बचती है, ना ही कोई आपको दूसरी गाइड या बुक वगैरह से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा था उसे देखिए, ए बी बी सी सी और डी। अब देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न ने भिन्नों में दिए हैं ये मान। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सिखाया था कि यदि भिन्नों में कोई अनुपात आ जाए तो उनका आप लघुतम लेकर सरल कर ले उन्हें, जिससे कि वो आसान हो जाएगा। तो भिन्नों में अनुपात आ गए तो उन्हें आप लघुतम लेके सरल कर ले। अब दो ही हो तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इनको सीधा ही गुणा कर ले। तो ए अनुपात भी यहां से क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए, मैं इसे सरल कर रहा हूं, आठ इनका लघुतम आता तो आठ में चार हो जाता, ये चार दो आठ, आठ एकम आठ, तो ये चार अनुपात तीन हो जाता। समझ पाए होंगे चार तीन कैसे लिख दिया। पार्ट फर्स्ट में मैंने सिखाया था कि इन दोनों का अनुपात लें आप, तो इनका आप अनुपात लेंगे तो इनका लघुतम लेंगे, तो लघुतम लेकर सरल कर लें इन्हें। तो लघुतम आपको दिख गया, इसके नीचे दो था, इसके नीचे आठ था, आठ और दो का आप लघुतम लिए तो वो आठ ही आ गया। तो अब दो का भाग आठ में चार बार जाता है तो ऊपर चार एकम चार होता, और आठ का भाग एक बार जाता है तीन एकम तीन होता, ये आप जानते हैं। फिर यहां से लघुतम देखिए, सी और डी का क्या होता, बी और सी का, सॉरी बी अनुपात सी दे रखा है आगे, तो बी सी का यहां लघुतम तीन आता। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा और इसको इससे, ऐसे वज्र गुणा भी करके आप पता कर सकते हैं। तो मैं कहता कि नौ आता तो तीन का तीन बार जाता और नौ का एक बार, पांच, तीन पांच हो गया। ये समझ गए होंगे कैसे किया। जब दो अनुपात ऐसे आ जाएं तो ऐसे भी मन में कर सकते हैं, ध्यान दें, इनको सरल करता तो नौ को मैं नौ एकम नौ लिख देता और तीन एकम तीन, नौ अनुपात तीन भी मैं इसे ऐसे लिख सकता था, या यहां पांच था तो नौ पांच दिया पंद्रह, नौ अनुपात पंद्रह इसे काटता तीन से तो तीन बार और पांच बार, ऐसे भी तीन पांच आ जाता। ऐसे करते कैसे भी कर ले, लेकिन फास्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। कुछ चीजें मन में सोल्व आउट हो जाएं तो मन में ही सोल्व कर दें उसे। माइंडली गणना छोटी मोटी हमेशा करनी है आपको, लिख के करते रहते हैं आप सारी गणना, वो भी एक गलत आदत है गणित को फास्ट होने में या सीखने में। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं छोटी मोटी गणना तो बगैर लिखे ही करूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। हो गया, चलिए सी अनुपात डी क्या होता। प्रश्न में सी अनुपात डी दे रखा है, छह और चार बारह लघुत्तम ले लेते, तो सी अनुपात डी आपको दिख रहा है, सी पांच बटा छह दे रखा है और वो तीन बटा चार दे रखा है। तो ऐसे गुणा भी कर सकता था, पांचों बीस हो जाता और छत्तीया अठारह हो जाता, इनमें से काटता तो मैं दस अनुपात नौ आ जाता। ऐसे भी कर सकता था, लघुत्तम बारह सोचता, मैं बारह लघुत्तम सोचता तो ये दो बार जाता दस हो जाता, तीन बार जाता नौ हो जाता। समझ पाए होंगे, दस अनुपात नौ आ गया। ये सारा सिस्टम, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं थी, चार को इकट्ठा करने वाली आसान ही बात थी, लेकिन इसके अंदर जो आपको आंकड़े दिए गए थे वो भिन्नों में दिए गए थे। अब ये भिन्नों को सरल कर लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इन चारों को इकट्ठा कर देते। इकट्ठा करने का तरीका आप सीख चुके हैं कि ए बी सी डी को इकट्ठा कैसे करेंगे। मीडिएटरों को बीच में लिखेंगे तो यहां पर जो मीडिएटर आपको नजर आ रहे थे वो बी और सी नजर आ रहे थे, बी यहां से भी मीडिएटर है और यहां सी मीडिएटर है। चलिए वैल्यू भरता, चार अनुपात तीन भरता, उसके बाद तीन अनुपात पांच भरता, फिर उसके बाद जो आप भरते दस अनुपात नौ भरते। बहुत आसान चीज थी और इन चारों को इकट्ठा कर देते। अब मैंने कहा कि जो खाली जगह है वहां पर मीडिएटर की वैल्यू भर दें, ये सीख ही चुके हैं आप, जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां मीडिएटर की वैल्यू भर दें, मीडिएटर के साइड में जहां जहां जगह खाली है वहां भर दें। अब मैंने कहा इनको गुणा कर लें, गुणा करने से पहले सभी में कुछ कटता है उसे काटिएगा, इन सभी में से कुछ यदि कटता है तो उसे आप काट सकते हैं। देखिए यहां से मुझे दिख रहा था कि
ये दो से कटता है या चार से, तो आपने देखा यहां कट जाएगा यहां, लेकिन दो या चार से नहीं कट रहा है। चलिए तीन से देखता कि तीन से कट रहे हैं कि ये बिल्कुल कट रहे हैं। देखिए तीन से कैसे कट रहा है, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, चारों लाइनों में से कटनी चाहिए वो, तभी आप ये कह सकते हैं कि ये इससे कटेगा। तो चारों में से कट रहा था। फिर आपने देखा पांच से कट रहा है क्या, बिल्कुल आप कहेंगे पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, पांच दुआ दस और पांच दुआ दस, बिल्कुल कट रहा था, आसान क्वेश्चन था। इसमें से कटे उनको यही काट दें, नीचे लिख के नहीं काटे। चलिए यहां अब क्या बच गया, चार दुआ आठ बच गया, यहां क्या बच गया, यहां दो और तीन बच गया, तीन दुआ छह हो गया, यहां पे क्या बचा केवल दस बचा, यहां पे क्या बचा केवल नौ बचा। आपका उत्तर हो जाता आठ छ दस और नौ, आठ छ दस और नौ, जो आपके पास सी ऑप्शन में लिखा था आठ छ दस और नौ। बहुत आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे इसे। तो इकट्ठा करने में बिल्कुल नहीं घबराइएगा, भिन्न आ जाएं तो उन्हें सरल करके रखिएगा, लघुत्तम लेके उनका सरल अनुपात बनाइएगा और फिर इकट्ठा करना आपको आ गया है। मीडिएटरों को बीच में रखें, मीडिएटरों की वैल्यू साइड में खाली स्थानों पे भरें और उन्हें गुणा कर लें। गुणा करने से पहले उनमें से जो कट रहा है उसे आप काट रहे होंगे और फिर उसे गुणा करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये और इजी तरीके से आप उन्हें सीख सकते हैं, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन ये है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या था। आसान आसान सी बातें हैं ये और इन्हें आप इजीली तरीके से सीख गए होंगे। फिर से ए बी सी डी चार को इकट्ठा करने का था। यहां पर आपसे ए और सी दे रखा था, डी और सी दे रखा था, डी और बी दे रखा था। मैंने आपसे कहा कि इनके मीडिएटर देखिएगा। अब देखो पर्सन ने आपको रटने वाली चीजों को भुला दिया। मैं हमेशा आपको कह रहा हूं कि आप इसे मीडिएटर को पहले देखिएगा। तो यहां पर ए और सी था, फिर सी आगे मीडिएटर का काम कर रहा है। डी और सी में भी देखो इनमें मीडिएटर सी है, तो फिर आप यहां पे डी लिख लेते। फिर यहां देखिए आगे मीडिएटर फिर से डी है, तो डी के आगे बी लिख लेते। अब ऐसे नहीं है कि यहां बी लिखते, सी और डी मीडिएटर का काम कर रहे हैं। इन चारों में सी और डी मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो मीडिएटरों को हमेशा बीच में लगाइएगा। अब मैंने आपको कहा कि इनकी वैल्यू पुट कीजिएगा। अब वैल्यू पुट करते समय भी ध्यान रखिएगा, ए और सी है तो ए के नीचे दो लिखूंगा, सी के नीचे तीन लिखूंगा। यहां देखना सी अगले वाला है, सी पांच है, सी आगे है तो सी के नीचे पांच लिखूंगा। कहीं आप चार पांच लिख दें, इस बात का ध्यान दें, सी का क्रम आगे है लेकिन सी यहां पहले लिखा है अपन ने मीडिएटर के तौर पे, तो फिर डी के नीचे मैं चार लिखूंगा। समझ गया होंगे पांच चार, उसका क्रम पलट के ले आइए यहां पे, कैसे भी क्रम पलट के लिख सकते हैं आप, जैसे चाहिए वैसे। डी और बी, डी के नीचे आपको एक लगा देना है और बी के नीचे दो, बस इतनी सी सावधानी बरतनी थी। अब मैं इसे आराम से इकट्ठा कर सकता हूं, मीडिएटरों को फटाक फटाक से साइडों में भी भर दे, मीडिएटर की वैल्यू उधर भर दे, इधर भी सभी वैल्यू को भर दे। ये सारी वैल्यू भर गई। अब मैंने कहा कि इन्हें आप गुणा कर सकते हैं, चारों आ जाएंगे। चलिए इनमें से कुछ कट रहा है तो मैं काट सकता हूँ। दो से कोई भी नहीं कट रहा, दो से यहाँ नहीं कट रहा, बाकी आगे कट रहा है। पाँच से ये दोनों कट रहे हैं लेकिन यहाँ पाँच से नहीं कट रहा। चलो कट नहीं रहा है तो गुणा कीजिए, ये तो दस कटता तो पहले मैं काटता, नहीं कट रहा है तो गुणा कर देता। चार तिया बारह और यहाँ बार दुआ चौबीस। अब आपको कौन सा क्रम बताना है वो ध्यान रखना है, ये क्रम नहीं बताना है। उसने कहा है ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी बताना है। ए की वैल्यू आपके पास है दस, बी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है लास्ट में, बी की वैल्यू है चौबीस, फिर सी की वैल्यू उठानी है तो सी की वैल्यू है पंद्रह। उस क्रम में उत्तर बताएंगे जिस क्रम में पूछ रहा है, लास्ट में बारह, दस चौबीस पंद्रह और बारह, तो आपका जो उत्तर हो जाता वो डी ऑप्शन हो जाता। तो क्रम का ध्यान रखें, मीडिएटरों को बीच में रखेंगे, ऐसा जब भी आप करेंगे तब तब। आसान क्वेश्चन है ये, इकट्ठा करना आप सीख गए होंगे, बस ये छोटी छोटी ये मिस्टेक नहीं कर दें कि ये मीडिएटर कभी भी आगे पीछे दे दे एग्जामिनर और आप भी आगे पीछे हो जाएं। तो यहां से ए बी सी डी बताना है, जब भी इकट्ठे हो जाएं तो उस क्रम में आप परीक्षा वाले को बता दें जिस क्रम में आपसे पूछा गया है। फटाक से इसे उतारिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने में बहुत मजा आने लगेगा, आप पूरी तरीके से इनको एक एक स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। क्वेश्चन किसी भी स्तर तक आपसे दे दिया जाए वो कभी गलत नहीं होगा। चलिए 36वां क्वेश्चन क्या था आपके लिए वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 36 नंबर, वैसे ही इकट्ठा करना था, ई तक इकट्ठा करना था, ए बी सी डी ई तक इकट्ठा करना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं थी, कितने भी पद आ जाएं। मीडिएटर देखिएगा, आप कहते सर बी ही मीडिएटर है, यहां बी ही, तो सी आ जाता, फिर आगे सी मीडिएटर था तो फिर डी आ जाता, डी मीडिएटर था ई, मीडिएटर है तो सीधा ही लिखते जाएं, बी है डबल, फिर सी है डबल, फिर डी है डबल, तो आगे मीडिएटर ऐसे क्रम में लगा देते, यहां कोई मीडिएटर की दिक्कत नहीं थी। चलिए अब कैसे करते, पांच भी इकट्ठा कर दें, कितने भी आ जाएं इकट्ठा आराम से कर दें। ए बी का अनुपात 1:2 था, बी सी का 3:4 था, सी डी का 6:9 था, उसके नीचे भर दें डी का 12:16 था। ये हो गया। अब मैंने आपको कहा कि मीडिएटरों की वैल्यू को उसके साइडों में भर दें, तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 4 भर दें, फिर से 4 भर दें, यहाँ पे 9 भर दें, 12 भर दें, जो भी मीडिएटरों की वैल्यू साइडों में खाली जगह है सब जगह भर दें उनको, यहाँ 3 भर दें, 3 के साइड में है। अब इनमें से पांचों चाहिए, पांचों चाहिए तो पांचों जहां से कट रही हो वहां से काट लें, इनमें से कुछ कट रहा हो तो उसे काटिएगा। चलिए मैं चेक करता कि 3 से कट रहा है क्या, 3 से यहाँ कट रहा है, ये कट रहा, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, बिल्कुल 3 से कट रहा है तो काटिएगा इसे 3 से, कि ये 3 से कट जाता, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। और देखिए और कट रहा है क्या, ये 3 से 6 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा 6 से, 3 से काटिए दोबारा से, 3 से काटिए, 3 से कट रहा है, 3 दुआ 6, 3 से कट रहा है, ये यहाँ 12 को काट लीजिए 4 बार, या ऊपर भी 3 है उसे काट लीजिए, यहाँ 3 से काटेंगे 12 को 4 बार, यहाँ 3 से 3 गया, यहाँ भी 3 से 3 गया, सब जगह से 3 कट गया। फिर आप 2 से काट सकते हैं क्या, 4 से काट सकते हैं तो क्या, तो आप कहते कि बिल्कुल 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 से ये 4 गया, 4 से ये 4 गया, 4 से ये 4 गया, ये 4, 4 4 तो सब जगह से गए। फिर आप कहते और 3 से काट सकते हैं क्या, तो अब आप ये कहते यहाँ 3 से कट जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ 3 से नहीं कटेगा, यहाँ 2 बचा हुआ है नहीं कटेगा, यहाँ 3 से कट जाएगा वहाँ नहीं कटेगा, यानी 3 से नहीं काट सकते। और 2 से देखिए 2 से काट सकते हैं क्या, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 से काट सकते हैं, 2 से उड़ा दो इसको 2 बार, 2 से उड़ा दिया इसको, ये 2 उड़ा दिया, ये 2 उड़ा दिया और ये 2 उड़ा दिया, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ बच गया आपके पास 3, यहाँ बच गया 6, ऐसे काट लें इसमें तो आसान हो जाएगा, यहाँ बच गया ये 8 आपके पास, यहाँ सभी कट गए तो आपके पास 12 बच गया, यहाँ भी सभी कट गए तो आपके पास 16 बच गया, 3, 6, 8, 12 और 16, इजी क्वेश्चन था ये। तो हो गया कि ऐसे फिल करके आप इसे भरते और काटते, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे फिल नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को कि ऐसे फिल नहीं करना है आपको। मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी कि यदि मान लो ए बी सी डी पांचों पूछ रहा हो, पांच चीजें दी गई हैं और पांचों पूछ रहा हो, तो आप ऑप्शन को ही जांच दें, ऑप्शन को ही हटा दें, इतने लिखोगे उतनी देर में तो ये फटाक से खत्म हो जाता। देखिए ऑप्शन से कैसे ढूंढता, ध्यान रखिएगा, ए और बी का अनुपात देखिए 1:2 है, सब में ए और बी देखिए, सबको काटने से ए और बी में 1:2 मिलना चाहिए, तो 1:2 यहां देखा 1:3 था, ए ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं आता, जो 1:2 है वैसे की वैसे आएगा तब जाके होगा, यहां देखता 1:2 है क्या, आप कहते बिल्कुल है, यहां देखते है क्या, नहीं है, तो ए और सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं आता। फिर आप देखते कि 3:4 है क्या अगला, तो ये 3:4 है क्या, तो 3, 4 और 6 को काटेंगे, नहीं है, तो डी ऑप्शन उत्तर होता। देखिए जो ऊपर अनुपात दिए गए हैं वो अनुपात ऑप्शन में जाचे, ए और बी का है तो ए और बी को ही काटें आप ऑप्शन में, ए और बी उतना मिलेगा तो ही उत्तर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ऑप्शन को भी काट काट के देखें, टुकड़ों में देखें, दो दो हैं तो ऑप्शन में दो चीज़ें होंगी, पहले ए और बी है तो पहले ए और बी वाली चीज़ को काट के देखें, यदि 1:2 आ जाएगा
तो वो उत्तर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसे जांचेंगे तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे आपके पास तुरंत से, फटाक फटाक से ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, एक ऑप्शन बचेगा जो आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो लिखने का अल्टीमेटली है ही तरीका, बाकी बगैर लिखे ऑप्शन से भी देख सकते थे आप इन्हें। 37वां क्वेश्चन क्या है, वही ए अनुपात सी बताना है। यहां पर दो अलग अलग अनुपात दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में मैं ऐसे सिखा चुका हूं कि दो अनुपात ए का डबल बराबर हो बी के तिगुने के, तो ए का अनुपात 3 मान लेंगे, बी का अनुपात 2 मान लेंगे। तो मैं डायरेक्ट ही यहां से ए बी सी को इकट्ठा करता, यहां से इकट्ठा करने की तरकीब मैं आपको सिखा चुका हूं। ए को आप मान लेते 3 और बी को 2, तभी बराबर होते। ये 3 × 2 = 6 हो जाता, ये 2 × 3 = 6, ऐसे इक्वल पार्ट हो तो उसे बराबर डायरेक्ट ही मान ले तो ये 2 हो जाता। कभी भी गुणांक बराबर हो तो ये इसके ए का मान 3 होगा तो बी का मान 2 होगा, यानी जो बराबर है उसे लिख दे। चलिए यहां से देखिए क्या हो रहा था, बी के बराबर तो लिख दे 5, बी मीडिएटर है, और सी के नीचे लिख दे 4, ये हो गया था। ए और सी चाहिए था, ए और सी चाहिए, तो यहां मैं मीडिएटर भर देता 2 और यहां भर देता 5। समझ गए होंगे, ये 2 चीजें मैंने भर दी हैं साइडों में। अब ए और सी चाहिए आपको, केवल ए और सी चाहिए, तो ए को गुणा करूंगा और सी वाली चीज को, बीच वाली को गुणा नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ए अनुपात सी मांग रहा है। तो यहां से कुछ कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो ये तो आ गया 15 और ये 4 × 2 = 8, 15 × 8 = 8 आपका उत्तर हो जाता। इसी क्रम में बताएंगे, 15 × 8 = 8, 15 क्रम का ध्यान रखिए अनुपात में। तो ये रिलेशन दिए गए थे, पहले उन रिलेशनों का अनुपात लगा लेते आप और फिर आप उनको इकट्ठा करके बता देते। ये रिलेशन पार्ट फर्स्ट में भी मैंने आपको एक एक चीजें शुरुआती क्लास में सिखाई है कि ऐसे रिलेशन आ जाएं तो अनुपात कैसे लगाएंगे। ये चीजें हमेशा के लिए ध्यान रखें, आपको अन्य टॉपिक्स में भी अनुपात लगाने की काम पड़ता रहेगा। इकट्ठा करना आप सभी को आ ही गया होगा। ए और सी मांगे तो मीडिएटर लगा लें, सारी चीजों को सुटेबल लगा के गुणा करें, लेकिन जब बी नहीं मांग रहा हो तो बी को गुणा भी नहीं करें, बी नहीं मांग रहा हो तो बी को गुणा नहीं करें, लेकिन लगाएं तो तीनों को, ए को और सी को ही गुणा कर लें। गुणा करने से पहले कुछ कट रहा हो तो उसे काटिएगा भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, 38वां। वही बात थी ए बी और सी। एक तो देखिए डायरेक्ट सोचना आना चाहिए, ऐसे कोई रिलेशन दे रखा हो, पार्ट फर्स्ट में मैंने कहा था, इनको इसमें पुट करके देखिए। पहला काम क्या होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में बताया जा सकता है, ये बाद में बताता हूं मैं, पहले आप देखिए एग्जाम की दृष्टि से कैसे सोचते इस बात को। इसको यहां पर लगा के देखते, एक ही जगह 2 रखते तो 2a, एक ही जगह 2 रखते तो 2a मतलब 4 हो जाता, बी की जगह 4 × 3 = 12 हो जाता। ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं आता, ऑप्शन को वहां लगा के देखिए, वो बराबर नहीं होगा तो वो नहीं आता। चलिए यहां से 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, बी ऑप्शन होता। ऑप्शन को उसके अंदर लगाया, वो इक्वल हो गया, वो आपका उत्तर होता। तो चलिए मैं ये होता वैसे कैसे करता, अभी कहा कि ए का मान आप रख दें 3 और बी का मान रख दें 2, ये रिलेशन हो, इस थर्ड को दबा लें, फिर फर्स्ट को प्रेस कर लें, तो यहां से हो जाता बी का मान तो 4 और सी का मान 3। समझ गए होंगे, इसमें 2 चीजें थी, पहले 2 को देख लें फिर लास्ट के 2 को देख लें, ऐसे इकट्ठा करते तो ऐसे करते, बाकी ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कभी भी रिलेशन आ जाए इक्वल ऐसे, तो मन में ही सोचने कि कौन से ऑप्शन को लगाने से ये बराबर होंगे, तो आपका उत्तर हो जाता 6-4-3 के अनुपात में इन्हें आप लगाते तो ये इक्वल हो जाते। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे ऐसे ही। 39 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा था ए बराबर है बी बटा 5 के, नीचे एक है, ऐसे अनुपात लगाना बताया था। ये ए अनुपात बी हो गया, यहां से ए का अनुपात तो 1 हो गया और बी का अनुपात 5। पार्ट फर्स्ट में सिखाया था बटे में होती है, वो स्वयं का अनुपात होता है, या इनको गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे गुणा करता मैं यदि इनको तो 5 ए बराबर बी आता, मतलब ए का मान तो 1 होता और बी का मान 5 होता। ये सब मैं पार्ट फर्स्ट में लगाना सिखा चुका हूं, वैसे भी जान गए होंगे आप इस चीज को। चलिए अगली लाइन आपके पास जो थी उसमें आपसे कह रखा है कि बी बराबर सी बाई 7, बी बराबर सी बाई 7, बटे में 1 था, तो आपसे कोई कहे कि बी अनुपात सी बताओ, तो आप कहते सर इसके नीचे है वो तो बी का है
और सी के नीचे है वो सी का है, तभी ये इक्वल होंगे। देख लीजिए, एक रख दूं तो एक बटा एक हो जाएगा, सात रख दूं तो सात बटा सात हो जाएगा, मतलब एक बराबर एक हो जाएगा। बहुत आसान चीज है ये। तो ये अनुपात लग गए, ये दो चीजें आपको अनुपात वाली आनी चाहिए थी। ये जैसे ही लगी, अब आप इनको इकट्ठा कर दीजिए, ए बी और सी इकट्ठा करना आपको आता ही है। ए बी का मान है एक अनुपात पांच, बी सी का मान जो है एक अनुपात सात। इन सबको इकट्ठा करना बहुत आसान है। मैंने कहा मीडिएटरों की वैल्यू साइड में भर दीजिए, तो जो डबल है उसे बीच में लिख लिया। अब सात पंजे पैंतीस हो जाता, पांच एकम पांच हो जाता और एक एकम एक हो जाता, एक पांच पैंतीस, ये आपका उत्तर हो जाता ए ऑप्शन। तो पहले अनुपात लगाने थे इन क्वेश्चंस के अंदर, अनुपात लगने के बाद इकट्ठे करने थे। अनुपात लगाना पहले पार्ट में आपने खूब सीखा है, अभी भी सीख गए होंगे। तो ऐसे इन सभी को आपको इकट्ठा करना है। चलिए और इकट्ठा करने के मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं और एक दो क्वेश्चन और इकट्ठे करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट 40वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, यदि ए का भाग बी के भाग का दो बटा तीन है। ये मैंने बताया था ए बी का दो बटा तीन है, ऐसी लैंग्वेज आगे भी काम आएंगी तो इन्हें सीखे। फर्स्ट पार्ट में भी बताया था मैंने किसका, बी का, तो जिसका होता है उसका अनुपात नीचे वाला होता है, जिसका तो नीचे वाला तीन और ये दो, पूरी गणित में काम देंगे। ए अनुपात बी ऐसी लाइन को पढ़ते ही लग जाना था, किसका वो नीचे है, बी का, तो बी का मान मानोगे तीन और ए का मान मानोगे दो, कम अधिक होता तो दो कम अधिक मानता मैं। चलिए अगली लाइन क्या थी, बी का भाग सी का, अगली लाइन है उधर देखिए, बी सी का तीन बटा चार है। मैंने कहा कि ये नीचे वाली चीज जिसका है उसकी है, तो बी अनुपात सी पूछता तो सी का मान रखता मैं चार और बी का मान रखता तीन। बहुत आसान चीज थी। जैसे ही ये अनुपात लगा पाए, ए सी को इकट्ठा करने पर आएगा मान, इकट्ठा आप कर सकते हैं, ए बी मीडिएटर है दोनों में, तो यहाँ ए और बी का मान कितना है दो अनुपात तीन, और यहाँ बी और सी का मान कितना है तीन अनुपात चार। मीडिएटर इक्वली है, मीडिएटर इक्वल हो तो भरने की भी जरूरत नहीं है, भर भी सकते हैं। ये मैंने भरा, अब मीडिएटर से कुछ कट रहा है क्या, तो तीनों में देखिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल तीन कट रहा है तीनों में, तो आप कह देते दो तीन और चार आएगा तीनों का। लेकिन आपको क्या देखना था, बी का नहीं देखना था, सिर्फ ए का और सी का ही देखना था, तो ए और सी हो गए दो अनुपात चार, इसे भी काटेंगे वन इज टू टू, एक अनुपात दो, तो आपका उत्तर आ जाता ए। ए और सी चाहिए था आपको, ए और सी चाहिए तो सिर्फ ए को और सी को ही निकाले आप। तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं, इनमें कोई भी मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है, ये अनुपात आप लगा पाते हैं। तो इकट्ठा करना बहुत सिंपल सी बात है, इकट्ठा कर पाएंगे। ए और सी पूछे तो तीनों को लिखेंगे, लेकिन इकट्ठा ए और सी को ही करेंगे, मीडिएटर तो लिखना ही पड़ेगा, इकट्ठा करेंगे तब। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं इकट्ठा करने का। ए बी से 40% अधिक हो, ए किस से बी से, ऐसी लैंग्वेज में पढ़ना सिखा चुका हूं, किस से किसका किसमें से, 40% अधिक है, अधिक है मतलब परसेंट मतलब बटे में 100 है, तो मैंने कहा किससे है वो नीचे है, तो ए अनुपात बी सेकंडों में मान सकते हो, बी को आप क्या मानते, बी को 100 मानते, और दूसरा 40% अधिक है तो दूसरे को आप 140 मानते। अब मैं इसे काट रहा होता तो 7:5 आ जाता, ये समझ पाए होंगे। ए और बी का अनुपात आ गया 7:5। अब देखिए दूसरी लैंग्वेज को देखिए, बी सी से 20% कम है, ऐसे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये चीज आपको आइडिया लगानी थी। फिर यहां से मैं बी और सी का अनुपात डायरेक्ट मानता इस लाइन से, सी से तो नीचे 100 आ गया इसके, तो सी को मान लीजिए 100, सी से कम है 20%, 20% कम का मतलब है वो 100 है तो ये 80 है, 20% कम, 20% ही होता तो 20 ही मानता, कम कह रहा है तो 20 कम मानता, ज्यादा कह रहा है तो 20 ज्यादा मानता, वो कहता 20% ही तो उसको 100 मानता, इसे 20 मानता। अब कहा है 20% कम तो 80 ले लेता, काटता मैं इसे 4:5 होता,
अब इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा पूछ रहा था, एसी का पूछ रहा था, लेकिन बी मीडिएटर है, तीनों को लिखना पड़ेगा शुरू में, तो फिर ए और सी को इकट्ठा कर दूंगा। बी की मान 7:5 हो गया, वहां बी का मान 4:5 हो गया। अब आप इकट्ठा कर देते, यहां पे 5 भर देते, यहां पे 4 भर देते। ए और सी को चाहिए था, बी को छोड़ दीजिए, ए और सी को ही देखिए, कुछ कटता है तो काट दीजिए, वरना 28:25 उत्तर हो जाता। तो 28:25 डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाता। आसान सी बातें हैं, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये चीज़ें आप सीख पाए और मैं आपको सिखा पाया, ये खुशी की बात है मेरे लिए। और आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार आप जिंदगी में इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। फिर से मैं अगले वीडियो में मिलूंगा अनुपात का पार्ट 3 लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आसान मेथडों के साथ लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपने ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।